नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। महाराष्ट्र में सियासी घमासान चल रहा है, तो वहीं यहां की विधानसभा में स्पीकर का चुनाव कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाए गए उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को जीत मिली है, जो कि महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी घमासान चल रहा है, तो वही विधानसभा स्पीकर को लेकर मची उठा पटक के बीच बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर को स्पीकर चुन लिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन विधानसभा का नया स्पीकर चुनने के लिए वोटिंग हुई, जिसमें राहुल को 164 वोट मिले। स्पीकर चुनाव में बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को जीत हासिल हुई है। कांग्रेस के नेता नाना पटोले के पिछले साल पद से इस्तीफा देने के बाद से अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था। डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल कार्यकारी अध्यक्ष रहे। राहुल नार्वेकर सबसे कम उम्र में विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं और वो पहली बार विधानसभा में जीत कर पहुंचे हैं। गौरतलब है कि शिंदे गुट और बीजेपी की ओर से पूर्व शिवसेना नेता राहुल नार्वेकर को उम्मीदवार बनाया गया था। उद्धव ठाकरे की ओर से राजन सालवी ने नामांकन दाखिल किया था। बता दें कि महाविकास अघाड़ी का हिस्सा कांग्रेस के सियासी संकट के बीच विधानसभा अध्यक्ष का पद चुनाव कराने के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने राज्यपाल का एक पत्र पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत में मामला लंबित होने के कारण स्पीकर का चुनाव संभव नहीं है। हालांकि सत्ता परिवर्तन के साथ राज्यपाल का रुख बदल गया है। ऐसे में उद्धव खेमे की ओर से उनकी लगातार आलोचना की जा रही है। उनका कहना है कि राज्यपाल पक्षपात कर रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी हलचल बनी हुई है। आगे यहां की राजनीति में और क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अभी तक सबकी दिलचस्पी उत्तर प्रदेश की राजनीति में थी, लेकिन जिस तरह से उठापटक हुई है और इस्तीफों के बाद जो नई सरकार बनी है महाराष्ट्र में, सभी का ध्यान महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ पहुंच गया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो।